हेलो दोस्तों, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही खतरनाक नेकेड मोटरसाइकिल जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, और बजाज पल्सर NS 200 2024 में जो रिसेंटली लॉन्च हुई है विद अपडेटेड फीचर्स, उनके बारे में बात करेंगे। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोनों ही खतरनाक बाइक्स, एक है बजाज पल्सर NS 200 और दूसरी है KTM ड्यूक 200। तो देखते हैं दोस्तों किस में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, पावर मिलती है, और उसी के साथ साथ क्या दोनों के प्राइस रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की, क्योंकि यार कोई भी कंपैरिजन मुझे लगता नहीं है कि प्राइस को कंसीडर करे बिना हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मान लो दोनों ही बाइक 200 सीसी की है, लेकिन एक 5 लाख रुपए की आती है और एक 2 लाख रुपए की आती है, तो ऑफकोर्स सी बात है 5 लाख रुपए में आपको ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले प्राइस की। तो दोस्तों KTM 200 का जो ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है वो आता है 2.15 लाख, और वहीं अगर हम बजाज NS 200 की बात करें तो ये आता है 1,80,800 रुपीज की, मतलब कि आप कह सकते हो 1,83,000 रुपीज में ये आपको ऑन रोड दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम पावर फिगर वगैरह की बात करें तो दोनों ही, जैसे कि आप जानते हो कि दोनों ही सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, तो अगर हम बजाज NS 200 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 199.5 सीसी का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 पीएस की पावर और उसी के साथ साथ 18.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर हम KTM 200 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 25 पीएस की पावर एंड 19.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो KTM जो है पावर फिगर में थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इतना कोई डिफरेंस नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों, दोनों ही सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, दोनों ही लिक्विड कूल मोटरसाइकिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में तो भाई बजाज जो है KTM के शेयर्स होल्ड करता है। एंड दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब न्यू KTM आई थी तो वो बजाज के शोरूम्स में आपको देखने के लिए मिलती थी। खैर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अब दोस्तों चलते हैं इनकी फ्यूल कैपेसिटी के ऊपर। तो भाई बजाज NS में आपको देखने को मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं पर आपको KTM में यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक। दोनों में दोस्तों ड्यूल चैनल ABS आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है भाई। मतलब आज के टाइम पर अगर आप कोई बाइक लेते हो, ऑफकोर्स ये बात है बिना ABS के तो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ABS जो है बहुत बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए काफी अच्छा होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम मेन हाईलाइट की बात करें तो बजाज पल्सर NS 200 में अब आ गया भाई पूरा LED सेटअप, और आप देख सकते हो DRL जो है इसके बहुत खूबसूरत हैं। वहीं अगर हम KTM 200 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको LED सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, वो भी LED साइड का। और आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों ही बाइक्स में आपको DRL देखने के लिए मिल जाते हैं। लुक्स आपको कौन सी बाइक की अच्छी लगती है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आप ये भी जरूर बताना कि अगर आपको पिक करने का ऑप्शन मिलता है तो आप कौन सी बाइक खरीदना चाहोगे। पूरा LED आपको सेटअप मिलता है, चाहे आप हेडलाइट की बात करो या फिर टेल लाइट की बात करो या फिर इंडिकेटर्स की बात करो, पूरा ही आपको LED सेटअप देखने के लिए मिलता है। दोनों ही नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स हैं। लेकिन दोस्तों जो मेन डिफरेंस आया था जिसमें बजाज पल्सर NS 200 काफी आ गया, वो है इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों में ही हालांकि आपको डिजिटल देखने के लिए मिलता है, लेकिन बजाज की अगर आप देखोगे तो भाई इसका जो मीटर है पूरा डिजिटल है, ठीक है, LCD है दोनों, बट इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बेटर कलर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है बजाज का लगता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ दोस्तों, इसके साथ आपको मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो SMS कॉल वगैरह आपको नोटिफिकेशन मीटर पे ही मिल जाएगी, जो कि ये अपडेटेड फीचर भी है 2024 में। वहीं अगर हम KTM 200 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डिजिटल देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप कलर वगैरह देखोगे तो उतने कुछ वाइब्रेंट उतने अच्छे नहीं है, और नॉर्मल से ही दोस्तों आपको मीटर देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोनों में ही आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पर पल्सर NS 200 जो है वो थोड़ी आगे हो जाती है। दोस्तों अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 158 किलोग्राम, वो है पल्सर NS 200 में, और KTM की बात करें तो यहाँ पर आपको 159 किलोग्राम का वेट देखने को मिलता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है पल्सर में आपको ज्यादा देखने को मिलती है, वो है 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर KTM में आपको मिलती है 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। वहीं दोस्तों अगर हम सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर KTM की थोड़ी जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि है 822 mm की, और अगर हम बजाज पल्सर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 805 mm की सीट हाइट। तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो आपके लिए बजाज पल्सर जो है वो बेटर रहने वाली है, बट यस इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, एक बार आप चलाने लगोगे तो दोनों ही बाइक जो है आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगी। सस्पेंशन सेटअप की बात करें दोस्तों तो दोनों में ही आपको आगे USD सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसी के साथ साथ अगर हम रेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। तो दोस्तों अगर हम टायर सेटअप की बात करें तो दोनों में ही आपको 17 इंच के अलॉय देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर हम फ्रंट में पल्सर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 100x80 का टायर, और यहाँ पर KTM में आपको मिलता है 110x70 का टायर। तो KTM का जो टायर है
वो थोड़ा सा वाइड रहने वाला है, और अगर हम रेयर की बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा जो है डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। पल्सर में आपको 130/70 का टायर देखने के लिए मिलता है, KTM आपको 150 सेगमेंट का टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा वाइड दिखता है और बहुत ही बढ़िया दिखता है। बट यस ऑफ कोर्स दोस्तों, इन दोनों के प्राइस में जो है वो भी डिफरेंस है, तो इन चीजों को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक जो है वो काफी लिमिटेड कलर ऑप्शंस में आपको देखने के लिए मिलती है। लुक के मामले में बात करें तो दोनों ही बाइक काफी अग्रेसिव लगती है। यहाँ मैं कहूंगा भाई KTM 200 की जो बाइक है वो ज्यादा अग्रेसिव लुकिंग बाइक है, बट यस दोस्तों अगर हम कंफर्ट की बात करें तो पल्सर NL जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि इसका जो पोस्टर है वो इतना अग्रेसिव नहीं है। अगर आप सीट हाइट वगैरह भी देखोगे तो यहाँ पर ये भी काफी अच्छी चीज है। पिलियन की अगर हम बात करें तो पिलियन का कंफर्ट जो है वो भी पल्सर NS 200 में बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा वाइड सीट देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगती है एंड कौन सी आप पिक करना चाहोगे। ये था एक छोटा सा वीडियो इन दोनों बाइक्स के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।